जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग वेल्सपन इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन आपको पता है कि इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आज 27 अप्रैल है। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी बाईबैक का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, यानी कि बाईबैक में खरीदारी करके भी आपको एक अच्छा कमाई का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इन सभी मुद्दों को एक साथ डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मुद्दे पर होगी, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस लगातार काफ़ी दिनों से रॉकेट बना हुआ है, तो वो अब अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया है। रेजिस्टेंस लेवल के आने के पास आपको पता है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस वहाँ से ऊपर जाता है और फिर उसके बाद नीचे आने लगता है, तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाने की भी जरूरत है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन द्वारा देखेंगे तो ये स्टॉक तकरीबन 86 रुपये 65 पैसे पर अपना क्लोजिंग दिया। ये सिर्फ एक दिन में 1.5% चढ़ा है। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में तकरीबन 5% के आसपास से स्टॉक चढ़ चुका है। वहीं पर पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में 34% के आसपास शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल कर दिया है। एक मंथ पहले किसी ने वेल्सपन इंडिया में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो 1 लाख वो जो उसका है अभी तक बढ़कर तकरीबन 1,33,000 रुपये उसके हो गए होते सिर्फ एक मंथ में। ये तो एक मंथ की बात हो गई। अब सिक्स मंथ में देखेंगे तो सिक्स मंथ में स्टॉक तकरीबन 10.5% के आसपास चढ़ा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के दिन क्या न्यूज आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज यह कंपनी 27 अप्रैल के दिन डिविडेंड और बाई बैक का अनाउंसमेंट करने वाली है, जो कि शाम के 4 बजे के आसपास तक ये अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार अपडेट कर दूंगा कि बाई बैक कितने रुपए का हो रहा है और डिविडेंड जो मिलने जा रहा है कितने रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है वेल्सपन इंडिया से संबंधित, ये दो न्यूज़ को अपने ध्यान में रखेंगे। अब इस न्यूज़ का चलो शेयर प्राइस में कितना उछाल आ सकता है, या जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ठहरा हुआ है, तो और कितना उसमें गिरावट आ सकता है, इस मुद्दे को समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वेल्सपन इंडिया को मैंने ओपन किया हुआ है और सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के चार्ट पर और वहाँ पर समझते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस किस तरीके से व्यवहार कर सकता है। तो अभी एक साल का आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया हुआ और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि 65 रुपये के आसपास का एरिया है। 65 रुपये के आसपास से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, लगातार बढ़कर बिना रुके ये 85 रुपये के आसपास तक गया है। दोस्तों ये काफ़ी कमाल की बात है, मतलब निचली स्तर से शानदार खरीदारी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो खरीदारी हुई है इसके पीछे का वजह यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अभी इस कंपनी को जो डिविडेंड आने वाले हैं और साथ में कंपनी ने जो बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है, तो ये जो इंटरनल न्यूज़ है पहले पता लग जाती है जो लोग इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन लोगों ने जाना कि चूंकि इस न्यूज़ को बताओ तो इसके शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी आ सकती है, तो यहाँ पर उन लोगों ने जम के खरीदारी की और शेयर प्राइस को सीधे 65 रुपये से 85-90 रुपये तक लेकर गए। और आप देखेंगे तो यहाँ से तकरीबन 28 मार्च का एरिया, 28 मार्च से लेकर आज 28 तारीख अभी होने वाला है, यानी कि एक मंथ से इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार रॉकेट बना हुआ है। तो अब सावधान हो जाने की भी जरूरत है, क्योंकि काफ़ी समय से किसी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो थोड़ी सी डरने की बात होती है, क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार कुछ समय तक ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ नहीं जा सकता। उसमें क्या होता है कि जिग जैग करके ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन ये स्टॉक लगातार देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए यहाँ से दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सावधान हो जाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 85 रुपये के आसपास का एरिया है कंपनी का, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। दो बार इस यहाँ पर तकरीबन इस कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया और यहीं पर अभी आके इसका प्राइस ठहरा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो। प्रॉफिट बुकिंग कहने का मतलब कि लोग इस कंपनी के शेयर को बेचकर थोड़ा बहुत पैसा अपने निकालना चाहेंगे अपने अकाउंट में, तो यहाँ से शेयर प्राइस थोड़ा सा घूम के नीचे आ सकता है। और नीचे कहाँ तक आ सकता है, हो सकता है कि 80 रुपये तक आए, जो कि ये वाला सपोर्ट लेवल का, यहाँ तक घूम कर आए प्राइस और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर प्राइस ऊपर उठे। तो आप भी यदि प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिले तो उसे चुकेगा मत, प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा वेल्सपन इंडिया में, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ तो आते जाते रहेंगे और अभी इस कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर भी आने वाला है। देखिए वेल्सपन इंडिया एक शानदार कंपनी है, बेसिकली ये वेल्सपन ग्रुप का ही हिस्सा है और एक लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी, टेक्सटाइल के सेक्टर से जुड़ी और उस तरह की कंपनी काम करती है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी बढ़िया है, तकरीबन 8.5 हज़ार करोड़ से अधिक की इस कंपनी का मार्केट कैप है। और सबसे अच्छी बात है कंपनी का जो शेयर प्राइस देखेंगे तो इस कंपनी के जो बुक वैल्यू से अधिक है, जो कि सामान्यतः इस कंपनी का मतलब किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा ही होना चाहिए। और रिटर्न और इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इंप्रूव देखेंगे तो 14.5% 15% के आसपास से काफ़ी कमाल की बात है। तो वेल्सपन इंडिया लंबी अवधि के लिए भी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए है तब भी कोई बात मतलब अच्छी बात है लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो, लेकिन समय समय पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, प्रॉफिट बुकिंग करने पर भी ध्यान देते रहना चाहिए यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए आज से संबंधित जो भी इसमें लेटेस्ट न्यूज आने वाले थे और जो भी भविष्य में होने वाले, मैंने सारी बातें आपको इसमें बता दी हैं। मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।